Hi guys, this is Yankara from General Study. Don't mug up, try to build up rational or logical study. तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर का. तो आज के करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे जी. पहला क्वेश्चन है, अजय नारायण झा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजय नारायण झा को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है जी. यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन का बात किया जाए तो अरविंद सक्सेना है. मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जी? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत थे, उनको रिप्लेस करके अभी बने हैं सुनील अरोड़ा. कौन बने हैं जी? तो सुनील अरोड़ा बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त. ठीक है जी. रिवेन्यू सेक्रेटरी वाणिज्य सचिव कौन है जी? तो रिवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैं. देखिए, अजय भूषण पांडे हैं वाणिज्य सचिव. और वित्त सचिव कौन है? तो अजय नारायण झा है जी. यानी वित्त छोटा है तो झा है और सचिव बड़ा है तो पांडे जी आएंगे जी. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है जी, इसरो के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड किस स्पेस एजेंसी ने बनाया है? तो इसरो ने क्या है जी, इसरो की बात की जाए तो इसरो का 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का मैक्सिमम रिकॉर्ड है. इसके बाद आता है स्पेसएक्स, जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है. इसके पास कितना है जी, 64 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड है. बात की जाए स्पेसएक्स, तो स्पेसएक्स बहुत स्पेस रिसर्च में बहुत ही आगे कंपनी है जी, प्राइवेट कंपनी है. और इसके ओनर कौन है जी, इलॉन मस्क है. इलॉन मस्क ने भी इसरो को भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हाल में ही दिया है, बहुत अच्छी डील हुई है. और बात की जाए तो स्पेस एक्स का कब निर्माण हुआ जी, तो ये 2006 में क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो कैलिफोर्निया है. कहाँ है, कैलिफोर्निया है. जक्सा कहाँ का है, तो जापान स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जापान की. रोस्कॉस्मस कहाँ की है, तो रसिया की. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी, बार बार पूछा जाता है. रोस्कॉस्मस कहाँ की स्पेस एजेंसी है, जक्सा कहाँ की है जी, नासा कहाँ का है, तो अमेरिका का है जी. इसरो का कौन सा स्पेस एजेंसी है जी, तो इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो है जी. चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश के 5 दिन की यात्रा पर गई है? तो कहाँ पर गई है जी, तो अमेरिका पर गई है. तो आप देख सकते हैं कि यूएस में 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर कौन गई है, तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण. तो हमारे रक्षा मंत्री कौन हुई जी, तो निर्मला सीतारमण हुई. बात की जाए यूएस के, तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन है जी, तो डोनाल्ड ट्रंप है. वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है जी, यानी वहाँ के विदेश मंत्री कौन है जी, तो जेम्स एन मार्टिस है जी. जेन एम मैरिस है जी. मार्टिस क्या है जी, वहाँ का डिफेंस के हैं जी. हेड कैपिटल कहाँ है जी, तो वाशिंगटन डीसी है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी. हाल में ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया जी? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया. मैं आपको जब भी बताता हूँ कि जब भी आपको डे आए तो उस मंथ के सारे डे को आप लोग रिवीजन कर लीजिए. तो चलिए जो 4 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को क्या था जी, बीएसएस स्थापना दिवस और एड्स दिवस था 1 दिसंबर को. 2 दिसंबर को क्या था जी, तो नेशनल कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे था. और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था 2 दिसंबर को. 3 दिसंबर को क्या था जी, तो इंटरनेशनल दिव्यांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस किस दिन था जी, तो 3 दिसंबर को था. और 4 दिसंबर को क्या है जी, तो भारतीय नौसेना दिवस है. तो आप देख सकते हैं जी, इस तरह हमने सारे डेट याद कर रखे जी. 2018 का बैलून दी और का पुरस्कार किसने जीता है जी, तो लुका मॉड्रिच ने जीता है. इससे पहले बात की जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज़्यादा था और लियोनेल मेसी जीते थे, लेकिन इस बार किसने जीता है जी, तो लुका मॉड्रिच ने जीता है. लुका मॉड्रिच की बात की जाए तो इस बार गोल्डन बॉल अवार्ड भी किसने जीता है जी, तो लुका मॉड्रिच ने ही जीता है. तो बैलून दी और फुटबॉल प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है. और फ्रांस के मैगजीन लिक्विप द्वारा दिया जाता है जी. किसके द्वारा जाता है, फ्रांस के मैगजीन द्वारा जाता है. ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लुका मॉड्रिच क्या है जी, बैलून दी पुरस्कार का अवार्ड जीता है. कोई अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भालुओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है जी, आगरा हुआ है. बात की जाए आगरा में क्या है, तो ताजमहल है. आगरा का किसने स्थापना किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी. सिन्यू मैत्री 2018 नमक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, किसके बीच हुआ है जी. सिन्यू मैत्री 2018 नमक अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है जी. ठीक है, सिन्यू मैत्री किसके साथ हुआ है जी, तो जापान के साथ ही भारत अभ्यास हुआ है इंडिया का. 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो ये भी PMJY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ये किसके द्वारा की गई है, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के द्वारा की गई. अभी जम्मू कश्मीर में क्या है जी, गवर्नर रूल चल रहा है, इसलिए वहाँ का भी CM अभी कोई नहीं है.
लेकिन आपको एएलपी में ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया जम्मू कश्मीर के गवर्नर और सीएम का नाम, तो आप लोग इसको अपडेट रहिएगा जी। बात की जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के सीएम का कार्यकाल कितना साल होता है जी? जो 6 साल का होता है। इंडिया में केवल होता है स्टेट है जहाँ का सीएम का कार्यकाल क्या होता है, 6 साल का होता है, क्योंकि वहाँ विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का होता है जी। अगर बात की जाए आर्टिकल 35A और 370 तो कहाँ से रिलेटेड है जी, तो धारा 35A और 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिए जी। किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो किस देश से उद्घाटन किया गया, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू द्वारा किया गया। बात की जाए नागालैंड, तो नागालैंड के सीएम कौन है जी, तो नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है, पद्मनाभा आचार्य है जी। कैपिटल कहाँ है जी, तो कोहिमा है। बात की जाए नागालैंड एक ERRS सपोर्ट भी स्टार्ट किया है जी, पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पहला ऐसा स्टेट है नागालैंड जिसने क्या किया जी 112 नंबर क्या किया है वो आरंभ किया है, और इंडिया का दूसरा नंबर स्टेट है जिसने 112 को या 112 ERS नंबर को सपोर्ट किया है जी, लॉन्च किया है। तो पहला कौन सा स्टेट है, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताएंगे कि ERRS को पहला स्टेट, इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया 112 नंबर जो सपोर्ट कर रहा है जी इमरजेंसी नंबर के लिए। किसे हीरो टू एनिमल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इमरान हुसैन को किया जाए। इमरान हुसैन कहाँ के हैं जी, इमरान हुसैन दिल्ली के कौन है जी, तो आपको ये दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर है। इन्हीं ने क्या किया था जी, दिल्ली में जो माजा बैंड हुआ था, जो आप पतंग उड़ाते हैं जो रस्सी से, उस रस्सी को चाइनीज रस्सी को बैंड कर रखा था जी पेटा के हेल्प से। रिविजन ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए रिविजन ऑफ क्वेश्चन क्या है जी। COP24 की बैठक कहाँ हुई, कौन सा देश 19 में OPEC समूह से बाहर जाएगा, महाराष्ट्र का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, महाराष्ट्र बैंक का जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर डे की बात करते हैं, तो भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मेरा मानना है कि जितना आप लिखिएगा आपको उतना ही ज़्यादा नॉलेज होगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। और मैं बता दूँ कि ग्रुप डी का जो आपका जो अलग सेट बन रहा है जी, उसको आप ग्रुप डी और ALP में आए हुए क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कीजिए। चलिए जो भी नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।